हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एनएम सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में। भोपाल में कई प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला है ताजुल मस्जिद। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह शानदार तस्वीर ताजुल मस्जिद की है। भोपाल शहर की यह ताजुल मस्जिद विश्व की तीसरी और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका विशाल प्रांगण इसकी भव्यता को दर्शाता है। इसका मुख्य दरवाजा 74 फीट ऊंचा है। गुलाबी रंग की इस विशाल मस्जिद की दो सफेद गुंबद नुमा मीनारें हैं, जिन्हें मदरसे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस ताजुल मस्जिद में एक समय में 1,75,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस मस्जिद को बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान शाहजहां बेगम ने इसका काम शुरू करवाया था। दूसरा है अपर लेक। अपर लेक भोपाल की सबसे महत्वपूर्ण झील है। इसे स्थानीय लोग बड़ा तालाब भी कहते हैं। इस झील के कोने पर राजा भोज की प्रतिमा भी बनी हुई है। अपर लेक के ऊपर बने ब्रिज पर पर्यटकों के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। अपर लेक भोपाल का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। आप यहां पर नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं। तीसरा है गौहर महल। गौहर महल भोपाल के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह खूबसूरत महल बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड पर बड़ी झील के किनारे बना हुआ है। इस महल का नाम भोपाल की पहली महिला शासक कुदसिया बेगम के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना भी माना जाता है। यहाँ दीवाने आम और दीवाने खास भी हैं। यहाँ हर साल जनवरी फरवरी में भोपाल महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें प्रदेश भर के कारीगरों, शिल्पकारों और लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। चौथा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। भोपाल में अपर लेक यानी बड़ी झील के पास ही वन विहार स्थित है। भोपाल घूमने आने वालों के लिए यह एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। वन विहार लगभग 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आप सफ़ेद बाघ, तेंदुआ, नील गाय जैसे जंगली जानवरों के साथ अनेक तरह के पक्षी और मगर घड़ियाल भी देख सकते हैं। पर्यटक यहाँ वन विहार घूमने के लिए सफारी राइड भी ले सकते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और वन्य जीवों को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहद ही खास है। पांचवा है शौकत महल। शौकत महल शहर के बीचों बीच चौक एरिया के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इस महल को 19वीं शताब्दी में गौहर बेगम की बेटी सिकंदर बेगम के शासनकाल में बनवाया गया था। इस महल की वास्तुकला इंडो इस्लामिक और यूरोपियन शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। शौकत महल के हरे भरे बाग बगीचे इस इमारत को चार चांद लगा देते हैं। महल के निकट ही खूबसूरत सदर मंजिल भी बनी हुई है। भोपाल के शासक इस मंजिल का इस्तेमाल पब्लिक हॉल के रूप में करते थे। छठवां है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यह अनोखा संग्रहालय भोपाल में श्यामला हिल्स पर 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी मौजूद हैं। इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह भारत ही नहीं अपितु एशिया में मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। यहाँ भारतीय आदिवासियों की विविधता, संस्कृति एवं उनके आवासों को दर्शाया गया है। सातवां है मोती मस्जिद।
भोपाल में स्थित मोती मस्जिद एक प्रसिद्ध और बेहद ही खूबसूरत मस्जिद है। इसकी तामीर 1860 में सिकंदर जहां बेगम के शासनकाल में हुई थी। इस मस्जिद की तामीर संगमरमर और लाल रंग के पत्थर से की गई है। मस्जिद की गहरे लाल रंग की दो मीनारें हैं जो ऊपर नुकीली हैं और सोने के समान लगती हैं। मस्जिद की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगती है। सफेद चमचमाते संगमरमर के वजह से ही इसे पर्ल मस्जिद या मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आठवां है डीबी सिटी मॉल। भोपाल में शॉपिंग के लिए डीबी सिटी मॉल बेहद ही खास जगहों में से एक है। यह मध्य भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यह 13 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें 5 रेस्तरां, 1 फूड कोर्ट और कई नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांडों के शोरूम मौजूद हैं। इसमें एक सुपरमार्केट, गेमिंग जोन और प्रसिद्ध ब्रांडों के स्टोर भी हैं। डीबी सिटी मॉल में आकर आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल का आनंद मिलता है। अगर आप भोपाल में शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए बेहद ही खास है। नौवा है भारत भवन। यह भवन भारत के सबसे अनूठे राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। श्यामला हिल्स पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। 1982 में स्थापित इस भवन में अनेक रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ एक म्यूजियम ऑफ आर्ट, ललित कलाओं की कार्यशाला और भारतीय काव्य की पुस्तकालय आदि शामिल हैं। इसमें एक आर्ट गैलरी भी है जो कई शानदार कलाकृतियों से सजी हुई है। दसवें नंबर पर है ट्राइबल म्यूजियम या जनजातीय संग्रहालय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यह म्यूजियम देश में एकमात्र ट्राइबल म्यूजियम है। इस संग्रहालय का उद्देश्य मध्य प्रदेश की जनजातियों और उनकी जीवन शैली से लोगों को रूबरू कराना है। इस म्यूजियम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 6 जनजातियों की जीवन शैली को दर्शाया गया है। अगर आप आदिवासियों के कला और कल्चर का इतिहास जानना चाहते हैं तो यह संग्रहालय आपके लिए बहुत ही शानदार जगह है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। दोस्तों, यह प्रक्रिया बिल्कुल ही फ्री होती है। धन्यवाद।